फेस टू फेस सिर्फ R9 भारत पर। नमस्कार दोस्तों, R9 भारत राष्ट्रीय न्यूज चैनल के खास प्रोग्राम फेस टू फेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद त्रिपाठी आज एक ऐसी शख्सियत के साथ में आपको रूबरू कराऊंगा जो कि योग में अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं, योग को बढ़ावा देने के लिए विश्व के कई देशों का भ्रमण कर चुके हैं। ऐसे डॉक्टर आनंद गिरी जी महाराज जी से आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज उनसे जानेंगे किस तरह से उनका रुझान इस तरफ हुआ और किस तरह से वो आगे इस विद्या को कहां कहां ले जाना चाहते हैं और किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। स्वामी जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका R9 में और फेस टू फेस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस दिशा में सबसे पहले तो आप कैसे संत बने और किस तरीके से आपका रुझान हुआ इस ओर। देखिए, ये सनातन संस्कृति है, हमने तो वेद पढ़ने के उद्देश्य से इस गुरुकुल को ज्वाइन किया था कि वेद पढ़ने का बहुत भाव है। वेद पढ़ने के साथ ही सदगुरु का ये आशीष मिला, ये आदेश मिला कि वेदों के साथ साथ योग का अध्ययन करो तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और दूसरों को भी स्वस्थ करने का काम तुम कर सकते हो। तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें विद्यालय में दिया, विद्यालय से गुरुकुल और गुरुकुल से हिमालय की यात्राएं आरंभ हुई। 10 साल की उम्र में मैं सन्यासी बना और वर्तमान में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जो अखिल भारतीय अखाड़ा प्रसिद्ध अध्यक्ष हैं पूज्य नरेंद्र गिरी महाराज, उनके सानिध्य में रह करके बागमरी गति पढ़े हनुमान जी में सेवारत हूँ और देश और दुनिया में आज जाने का मौका मिलता है, चाहे भारत की IIT हो, IIM हो या फिर बहुत सारे शिक्षण संस्थान हों उनमें, और उसके साथ साथ दुनिया भर के अन्य देशों में बहुत सारे, जैसे इंग्लैंड के पार्लियामेंट में, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में, कनाडा की पार्लियामेंट में, वहाँ बोलने का मुझे मौका मिला। मैं योग को प्रचारित करता हूँ, बड़ा गर्व का अनुभव करता हूँ कि ये विद्या मुझे मिली, जिसके कारण आज इस विद्या के कारण मैं भी अपने आप को दुनिया में ले जा पा रहा हूँ। ये अद्भुत संस्कृति है, अलौकिक संस्कृति है और मुझे लगता है कि दुनिया इसी ओर फिर लौट करके आने वाली है, क्योंकि योग साइड इफेक्ट रहित है, योग का कोई धर्म नहीं है, योग का कोई उम्र नहीं है, योग में कनेक्टिविटी है, जोड़ना है। आप किससे जुड़ना चाहते हो आप पर निर्भर करता है, पर योग का मतलब होता है जोड़ना। योग मतलब गणित का शब्द है, योग योग का मतलब जोड़ना। यजु धातु से बना हुआ यह शब्द व्यक्ति को अध्यात्म से जोड़ता है, स्वस्थ शरीर से जोड़ता है, शार्प मेमोरी से जोड़ता है और व्यक्ति की तेजना से जोड़ता है, यानी व्यक्ति अपने आप को ओजस्वी बनाता है। यही कारण है कि आज सऊदी अरेबिया से लेकर के अमेरिका तक की हर एक स्ट्रीट, हर एक गली में योग की क्लासेस चलती है और योग को लोग लेने के लिए तरसते हैं। वही सौभाग्य मुझे मिला है कि मैं योग का प्रचार प्रसार करूं और मैं कर रहा हूं, ये मेरा सौभाग्य। 10 वर्ष की अवस्था में आरंभ किया जीवन, आज मैं 40 का हो गया हूं, तो 30 साल से सफ़र चल रहा है और सदगुरु के ईश्वर की बड़ी कृपा है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि इसका घर घर प्रचार प्रसार होना चाहिए और जिसमें आप लगे हुए हैं और शायद कर भी पा रहे हैं और भी आगे करेंगे। कोई ऐसी हॉबीज, कोई ऐसी घटना जीवन को प्रेरित करने वाली, जैसे आप बता रहे हैं कि 10 वर्ष की अवस्था में आपने ग्रह त्याग कर दिया था और इस जीवन में आ गए थे, तो कोई ऐसी घटना आज भी आपको जो प्रेरित कर रही हो। देखिए, अब्दुल कलाम साहब के साथ मेरा एक बहुत अच्छा संसर्ग हुआ, जब माननीय राष्ट्रपति महोदय थे उस समय एक शिक्षण संस्थान में मेरा उद्बोधन रखा गया और महामहिम का वहाँ आगमन था, तो मेरे हाथ पांव कांप रहे थे और मैं घबरा रहा था कि मेरी उम्र मुझसे ज़्यादा अपना साथी थे, तो मैं बहुत डरा हुआ था कि क्या बोलूँगा, कुछ ऐसा कुछ ना बोलूँगा जिससे, क्योंकि मैं भगवा पहन के खड़ा हूँ तो वहाँ एक छोटा बच्चा नहीं खड़ा, वहाँ एक भगवाधारी खड़ा है और बहुत सारी जिम्मेदारियों का एहसास भी हो रहा था, नर्वसनेस भी थी, डर भी था। तो वो एक ऐसा क्षण आया जब मेरा नंबर आया और मुझे बोलना था और मैंने बोला, क्योंकि एक बात हमारे गुरुकुल में सिखाई जाती है कि जब आपको मंच पे माइक दिया जाता है तो तब ये मत सोचो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, तब ये सोचो कि तुम्हें क्या याद है, तुम्हें क्या सिखाया गया है। उसी अंदाज में हमने अपनी बात को रखा, युवाओं को लेकर के जो सोच थी मैंने वो रखी। तो कलाम साहब बहुत खुश हुए और उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और एक बात उन्होंने से कि कलाम, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आप मिसाइल मैन हैं, आप मिसाल है समाज के लिए, हम आपसे बहुत अपेक्षा रखते हैं, लेकिन टुडे आई डिक्लेयर, मैं आज ये
घोषणा करता हूँ कि लोग मुझे कहते हैं कि आपसे बहुत उम्मीदें, पर आज कलाम कह रहा है कि मिस्टर गिरी आपसे मुझे बहुत उम्मीदें हैं। तो एक हौसला बना और एक उत्साह बना और एक गजब की चेतना जगी कि जब राष्ट्रपति और इतने बड़े व्यक्ति आपसे उम्मीद रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं, तो फिर आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो और ऊँचा हो जाता है। और तब से उनके साथ बहुत अच्छा संबंध रहा और अंतिम समय तक मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला। कई बार उनके घर भी गया हूँ मैं और कई बार कई कार्यक्रमों में कलाम साहब के साथ जीवन बीता, तो वो एक बहुत अच्छा संसर्ग था। उसके बाद तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे क्षण थे जो मेमोरेबल है, पर ये एक ऐसा था जिसे एक व्यक्ति को उठने के लिए एक ट्रिगर चाहिए कि आप अपने उद्देश्य से अपने आप को इतना जोड़ लो कि आपका ज्ञान आपका जीवन बन जाए, आपको रट्टा ना मारना पड़े और आपको भयभीत ना होना पड़े, आपका ज्ञान आपका जीवन हो। मेरा ज्ञान ही मेरा जीवन था जिसके कारण कलाम साहब ने एप्रिसिएट किया और उनके एप्रिसिएशन से आज मैं दुनिया के बड़े मंचों पे बेदाग होके बोल सकता हूँ, खुले मन से बोल सकता हूँ, किसी भी विषय पे बात कर सकता हूँ। तो बिकॉज ऑफ मिस्टर कलाम, उन्होंने जो मुझे एक जोश दिया है, जो ऊर्जा दी है, वो बहुत अद्भुत थी मेरे लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये आप संत हैं, धर्माचार्य हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म को बढ़ाने की भी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और इस दिशा में आप कार्य भी कर रहे हैं। जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं पूरे देश में, तो उन परिस्थितियों में जैसे एक बहुत ज्वलंत मुद्दा लफ जिहाद आ जाता है और कहीं ना कहीं हमारी गौ गंगा और इन पर सब मुद्दों पर लेकर के जो एक हिंदुओं का एक पक्ष है, उसको किस दृष्टि से आप हम लोग मानवता को बढ़ाते हैं, धर्म तो हम जीते हैं जी, धर्म हमारा स्वाभाविक स्वरूप है, धर्म को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। धर्म एक आचरण है जो रूटीन में व्यक्ति के आ जाता है तो वो वैसा बन जाता है। हमारा उद्देश्य है कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि आपका आचरण कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, समाज में आपका व्यवहार और कितना अच्छा हो सकता है, समाज में आप दूसरों के लिए कितने उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, समाज में आपके द्वारा कितने नैतिक के कार्य हो सकते हैं, इन बातों पर हम ध्यान देते हैं। और जब हम युवाओं के बीच में संवाद करते हैं तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम अगर विद्यार्थी हैं तो हम केवल विद्यार्थी हैं, हम किसी धर्म और मज़हब के व्यक्ति नहीं हैं। क्योंकि अगर हम मज़हब बीच में ले आएंगे तो हम विद्यार्थी नहीं बन पाएंगे, फिर हम विद्या के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे और फिर विद्या के उन चैप्टरों से कन्नी काट लेंगे जो दूसरे महापुरुषों से प्रेरणा देते हैं। अगर खाली धार्मिक रहता तो मैं कलाम का नाम सुन के उनके पास नहीं जाता। बिल्कुल, है ना। तो मेरे गुरु ने मुझे नहीं सिखाया कि नाम से आप किसी के पूरे जीवन पर जजमेंट कर लो, चाहे वो पैगंबर का नाम हो, चाहे वो गुरु नानक का नाम हो, चाहे वो जीसस का नाम हो, चाहे भगवान राम का नाम हो, इन नामों में बड़ी सार्थकता है। इन नामों से दूरी मत बनाइए, इन नामों से प्रेम करिए, इनका अध्ययन करिए, शोधन करिए, इनकी जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका पान करिए और उसी ऊर्जा को संसार को दीजिए। यही काम हमारा है कि हम समाज में जो सकारात्मक ऊर्जा उसका संचार करें और फिर जैसा मानव का विवेक है उस पर काम करें। हम सनातन धर्म के प्रेमियों में एक ही विशेषता है कि हम फतवा जारी नहीं करते, हम उपदेश जारी नहीं करते, हम आदर्श जारी करते हैं। हमारा जो मत होता है, जो हमारी बुद्धि होती है, उसके अनुसार हम ज्ञान देते हैं और उसके पश्चात हम ये कहते हैं कि ये मेरा मत था, आगे आपको डिसीजन लेना है, ये आपका मत होना चाहिए। तो हम मानवता फैलाने का काम कर रहे हैं कि आम व्यक्ति में मानवीय रूप पहले आए, क्रूरता ना आए, अनाचार ना आए, पापाचार ना आए, चरित्रहीनता ना आए, उस पर हम काम कर रहे हैं और बड़ी सफलता मिल रही है। दुनिया भर में बहुत एप्रिसिएशन मिल रहा है और बहुत लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आप लगातार विदेशों की भी यात्राएं कर रहे हैं। सबसे अंतिम सवाल हम आपसे करना चाहेंगे और वो महत्वपूर्ण भी है भारत देश के युवाओं को लिए, खासकर योग को किस दृष्टि से युवाओं को लेना चाहिए और उसमें आप काम भी लगातार कर रहे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? योग, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं योग कर्मसु कौशलम, योग भवति दुःखः योगस्तु कुरु कर्माणि। दुखों से छुटकारा चाहते हो तो योग करो, जीवन में सफलता चाहते हो तो योग करो, और जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो योग करो। अगर आप चाहते हो कि आपके चेहरे का जो तेज है ना वो एकदम अद्भुत रहे, कोई क्रीम पाउडर की आवश्यकता ना पड़े, तो योग का आश्रय करिए, वो अपने आप स्वतः हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है यानी मानसिक तनाव है वो खत्म हो जाए
और आप एक सुखमय जीवन जी सके, निरामय जीवन जी सके, तो योग का आश्रय करिए। और आप चाहते हैं कि आपके परिवार में और आपके समाज में आपकी इम्पोर्टेंस बनी रहे, तो आप योग करिए। और मुझे लगता है कि जो व्यक्ति सफल होना चाहता है वही योग का रास्ता अपनाता है, जो असफल होना चाहता है वही भोग का रास्ता अपनाता है। आज शराब और अन्य प्रकार के नशीले पदार्थ सुशांत सिंह राजपूत जैसे युवाओं को भी नष्ट कर सकता है, ये नशे का प्रकल्प है। और योग एक आम व्यक्ति को, जिसे हम कहें चाहे वो पहाड़ों में पैदा हुआ अजय बिष्ट नाम का व्यक्ति जो आज योगी बनकर के प्रदेश उत्तर प्रदेश सूबे का मुख्यमंत्री है, या फिर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो चाय बेचने वाला लड़का रह करके हिमालय में योग की साधना करके आज देश का प्रधानमंत्री है, तो योग ये कर सकता है। और भोग सुशांत सिंह राजपूत या फिर दिव्या भारती या फिर ऐसे अनगिनत नाम हैं जो जवानी में असफलताओं के साथ साथ परिवार पर और समाज पर कलंक थोप सकता है। तो आप कलंक से बचना चाहते हैं और सफलता को चाहते हैं तो योग का आश्रय करिए, आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद R9 से बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर आनंद गिरी जी महाराज, जिनसे हम बात कर रहे थे, जिनसे जाना कि योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह से योग की हम लोगों को जरूरत है। R9 भारत के लिए शाहजहांपुर से अरविंद त्रिपाठी।